वेलकम टू एलजेब्रो। तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो थ्योरम 1.4 के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज प्लेलिस्ट में जाके थ्योरम 1.4 की वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। ये हमने हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स एच सी एफ शुड बी इक्वल्स टू 1। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। अब जो है अंडर रूट 5, ये a और b जो है प्राइम फैक्टर है, देयरफॉर अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a बाय बी, बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो b को इस साइड लीजिए, अंडर रूट 5 b इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, सारा क्वेश्चन थ्योरम 1.4 के ऊपर बेस्ड है। अब जो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस मीन्स जो ए स्क्वायर है वो है डिविजिबल बाय 5 एंड ए भी डिविजिबल बाय 5, बिकॉज ये है हमारा थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थ्योरम 1.3 और 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको जाके वॉच करिए, इनकी प्रीवियस वीडियोस वॉच करिए। अब जो है ए तो हमने ले लिया, लेट ए इक्वल्स टू 5c। क्यों, मतलब जो c है, मतलब अगर हमारा a 5 से डिविजिबल है तो a हमारा 5 इंटू सी, मतलब c यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। ओके, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर 5b² इक्वल्स टू 5c² ये कहाँ से आया, हमने इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5b² इक्वल्स टू 25c². ठीक है, अब b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c², मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 5। ओके, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5 थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। ओके, तो जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है, b है वो भी 5 से डिविजिबल है, सो बाय 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के बाद जो a एंड b है उनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 5, बट जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ क्या होता है, 1। सो मतलब यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इसको एक रैशनल नंबर एज्यूम किया था, बट रैशनल नंबर के जो होता है ए एंड बी ये को प्राइम्स होते हैं, मतलब एच सी एफ 1 होता है, बट यहाँ पर एच सी एफ हमारा 1 नहीं आएगा क्योंकि ए और बी का जो एक कॉमन फैक्टर है वो हमारा 5 निकल गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। Got it?